Hi guys, welcome to my channel and today I'm gonna review Ching Shezwan Chutney. So guys, आज मैं Ching Shezwan Chutney का review करूँगा और इसके सारे एक एक करके इसके ingredients के बारे में बताऊँगा. So guys, इसके ingredients हैं water, sunflower oil, sugar, ginger salt, chili garlic, onion, cornstarch, flavor enhancer E635. So guys, इससे पहले का तो ये water, sunflower oil, sugar वगैरह, ginger salt वगैरह सब आपकी समझ में आ गया होगा. अब गाइस फ्लेवर एनहेंसर E635. सो गाइस ये जो फूड कोड है E635, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ E627 एंड E631 एंड इट इज जनरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीट एंड फिश. अब गाइस ये जो फ्लेवर एनहेंसर E635 है ये जनरली प्रोड्यूस होता है मीट एंड फिश से. अब गाइस फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या चिंग शेजवान चटनी वेज के लिए है या वेज के लिए नहीं है. सो गाइज ये जो फूड कोड है E635 ये मीट और फिश से प्रोड्यूस होता है लेकिन ये वेजिटेरियन के लिए अदर सोर्स से भी प्रोड्यूस होता है. सो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी पैकेज फूड में फूड कोड E635 देखें तो आपको उसके मैन्युफैक्चरर को मेल करना है कि ये जो आपका जो फूड कोड है E635 ये किससे प्रोड्यूस हुआ है, मीट या फिश से प्रोड्यूस हुआ है या फिर किसी अदर सोर्स वेजिटेरियन सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है. सो गाइज ये है फ्लेवर एनहेंसर E635. उसके बाद है थिकेनर, फूड कोड है E1422. सो गाइज ये जो फूड कोड है E1422 गाइज ये स्टार्च है, इसको इसमें यूज में लिया गया है. स्टार्च गाइज एज वी ऑल नो के ब्रेड में होता है, पोटैटोज में होता है, डबल रोटी वगैरह राइस में होता है. सो गाइज उसको एज ए थिकेनर इसमें यूज में लिया गया है. और गाइज उसके बाद है एसिडिटी रेगुलेटर, फूड कोड है E260. सो गाइज ये जो एसिडिटी रेगुलेटर है फूड कोड E260 गाइज ये काम आता है पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए. और अगर पीएच लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा, ये लो या हाई होगा, तो गाइज उससे हमारी जो हेल्थ पर है बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ते हैं. सो गाइज पीएच लेवल मेंटेन को पीएच लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये एसिडिटी रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद है गाइस स्पाइसेस वाइट पेपर, शेजवान पेपर और प्रिजर्वेटिव E202 फूड कोड है और E211. सो गाइस पैकेज फूड में प्रिजर्वेटिव इसलिए यूज में लिए जाते हैं ताकि उसमें किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो और कोई भी फंगल ग्रोथ ना हो, इसलिए ये यूज में लिए जाते हैं पैकेजिंग फूड के. सो गाइस अब बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसका जो भी फूड कोड थे उसके बारे में मैंने बता दिया. अब इसको जल्दी से इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार. वैसे इस पे जो MRP है वो है 75 rupees MRP है इस पे, लेकिन आपको और सस्ती मिल जाती है बिग बाज़ार वगैरह या और भी जहाँ पे 55-60 rupees तक अमेजोन पेनेट्री वगैरह से मिल जाएगी. सो गाइज अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है. सो गाइज मैंने स्पून नहीं ली है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर हीट होती है. सो गाइज मैं उंगली से इसको डिप करके गाइज हीट तो बहुत है और मेरी एडवाइस ये है कि कभी भी इसको एज अ कैचअप यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि एज रणवीर सिंह सेड ये चटनी नहीं रॉकेट है रॉकेट. सो गाइज इसको आप राइस के साथ या किसी भी रोटी सब्जी में मतलब थोड़ा सा मिक्स करके खा सकते हैं, एज अ कैचअप या ऐसे ही नहीं खाना इसको क्योंकि फिर आपको यू कॉन्ट टॉलरेट द हीट, बहुत ही ज़्यादा वो है. और जो लोग मिर्च खाने के शौकीन नहीं उनके लिए तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है नहीं. सो गाइज यही था चिंग शेजवान चटनी का रिव्यू एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.